हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल श्रीवास्तव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आप रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो क्या है रेशनल नंबर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, द नंबर्स द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 5/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p इक्वल्स टू 5 है और q इज इक्वल टू 6 है, यानी कि p अपॉन q इक्वल्स टू 5/6। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दे देना रेशनल नंबर के लिए, आप बताना कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। जैसे p इक्वल्स टू 7 और q इज इक्वल टू 1, पी अपॉन क्यू यानी कि 7/1 इक्वल्स टू 7, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर है। क्यों? नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1, यानी यहाँ भी 1 है। अगर 7 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7, तो ये रेशनल नंबर है। अच्छा, एक नंबर और देता हूँ, 1001 और क्यू इज इक्वल टू 5, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 101/5, ये रेशनल नंबर है, बताओ है या नहीं। ये है, ठीक। इसके बाद मैं आपको एक और नंबर देता हूँ। चलो सपोज p इक्वल्स टू 0101261, q इज इक्वल टू 265656, क्या p अपॉन q इसमें इसके द्वारा बनना हुआ नंबर यानी 100111261/265656 रेशनल नंबर है या नहीं? ये रेशनल नंबर है। देखो क्या हो रहा है हर कंडीशन में, यहाँ देखो क्यू क्यू अपने आप में कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर पी बराबर 0 हो गया और क्यू बराबर 1 हो गया तो पी अपॉन क्यू 0/1, बताओ क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बताओ बताओ, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यू 0 नहीं है लेकिन पी 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1 हुआ और क्यू 0 हुआ तो यानी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0। अब बताओ क्या ये रेशनल नंबर होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्यू 0 हो गया, क्यू को 0 नहीं होना है। कंडीशन क्या है, क्यू 0 नहीं हो, लेकिन यहाँ क्यू 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये होता मेन फंडामेंटल रेशनल नंबर का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर में, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बात कर देता हूँ एक बार। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये साइन जो है प्लस वी ई, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, टी आई ओ रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे होगा, जैसे 5/7, 4/3, माइनस का 5/-6, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है बेटा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट सकता है,
ठीक है, ये माइनस से माइनस कट सकता है। अच्छा अब ये बताइए क्या ये रेशनल नंबर है पॉजिटिव? माइनस का 6 अपॉन माइनस का 7, ये भी रेशनल नंबर है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर देखिए, जैसे 5/7 माइनस का 1/2 ब्रैकेट में, ये रेशनल नंबर नेगेटिव है। क्यों? ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस है। आगे माइनस का 5/3 माइनस का 1/6, ये सारे क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? तो आर रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर हैविंग, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आर रेशनल नंबर्स P upon Q is said to be in standard form if P and Q are integers having no common divisor other than 1 and Q is positive। कहने का मतलब है कि उनका जो common divisor हो वो 1 के अलावा और कुछ हो ही ना हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो, और यहाँ पर Q क्या होना चाहिए? positive होना चाहिए। एक example के तौर पर आप समझ जाएंगे कैसे। देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये एग्जांपल है कि एक्सप्रेस 66 अपॉन माइनस के 44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 66 अपॉन माइनस के 44 इसको हम क्या करेंगे, 66 ऐसे लिखेंगे अपॉन माइनस के 44 दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये क्यू ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाए, क्यू क्या है पॉजिटिव, तो माइनस के 66 अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी 44। अब इनका देखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका क्या देखेंगे, इनका HCF देखेंगे। HCF निकाला कैसे जाता है ये आपने शायद पढ़ा होगा 6th-7th में, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 64 है डिवीजन मेथड से, बता देना ये 44 है डिवीजन मेथड से, 66 को 44 से डिवाइड करूं तो 60 जो वन बार आएगा 44, अब क्या बचा 2 बचा, अब क्या होगा 22 या 2 times 44, तो आपका HCF कितना आ गया 12, यानी HCF आ गया आपका 22। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 66 को अपॉन 44 को 22 से नीचे ऊपर डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये 3 times चला जाएगा माइनस के, ये 2 times, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा आप चाहें इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड से यूज़ हायर क्लास में डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं, वैसे HCF हायर क्लास में पूछा नहीं जाता है, फिर भी सॉल्व हम डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100
अपॉन 25 स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको काट पीट के सॉल्व ही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। देखो फाइव से काटो क्योंकि फाइव टू या टेन, जीरो बचा इसे आगे लिख लो। अब जब फाइव से ऊपर काट रहे हो तो फाइव से नीचे भी काटो। फाइव फाइव जा 25, अब ये 20 है इसको आगे लिख लो, 20 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 अपॉन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक, इसके बाद